बिहार में सरकार लाख दावे कर ले मगर स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अब भी चिंताजनक है। यह तस्वीर बिहार के जमुई जिले के झाझा रेफरल अस्पताल की है, जहां एम्बुलेंस को ठेल कर स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। सोचने वाली बात तो यह है कि क्या इस तरह मरीजों का उपचार सही समय पर हो पाएगा, और अगर नहीं तो इस पर स्वास्थ्य विभाग त्वरित संज्ञान लेने को तैयार क्यों नहीं। इधर इस मामले को लेकर रेफरल अस्पताल झाझा के प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार व प्रबंधक सुभाष कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में विभाग को सूचना दिया जा चुका है और इसकी पूरी जिम्मेवारी एजेंसी को है। मरीजों को एम्बुलेंस में बिठाकर यदि इस तरह धक्का मारकर एम्बुलेंस को चलाया जाता है तो आखिर कब तक यह व्यवस्था सुधर पाएगी, क्योंकि फिलहाल यह एम्बुलेंस भगवान भरोसे चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, जम्मू। सरकारी अस्पताल रेफरल अस्पताल में एम्बुलेंस जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है। हालात ये है कि मरीज लोग एम्बुलेंस को ठेल रहा तब स्टार्ट हो रहा है। सर, क्या एम्बुलेंस की मरम्मती को लेकर क्या किया जा रहा है? तो एजेंसी ने जो एम्बुलेंस दिया है उसको ना लिखा जाएगा कि आपका एम्बुलेंस खराब है, चला रहा है एम्बुलेंस। हम सरकारी नहीं है, तो एजेंसी कितना देता है? छोटा वाला जो एम्बुलेंस एजेंसी है, सब एजेंसी, हम लोगों का कोई एम्बुलेंस नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस जो बोलिएगा तो वहीं से आता है, एजेंसी वाला देता है। ऐसे में सर, अगर मरीजों को वाला को ही खबर करना हुआ कि आपका एम्बुलेंस, आप अपने स्तर से सर खबर कीजिएगा ना, और खराब कर देंगे मेरे साहब, लिख कर देंगे उसको, लिख कर भैया बढ़ा देंगे। किया जा चुका है सरकारी एम्बुलेंस की जो जर्जर स्थिति का नजारा सामने के देखने को मिला है, इस पर क्या किया जा रहा है? क्योंकि चिकित्सा प्रभारी का कहना है कि प्रबंधक इस पर लिखित दिया गया है। देखिए सर, एम्बुलेंस जो है वो एजेंसी के माध्यम से संचालित होती है, और एम्बुलेंस जर्जर अवस्था में है इसकी सूचना जिला को लिखित तौर पर दी जा चुकी है, और जो चूँकि एम्बुलेंस के कंट्रोलिंग ऑफिसर जो हैं उनको भी सूचित है। अभी भी हमारी एक गाड़ी बन करके अभी आई है 3 दिन पहले, और उसके आने बाद अभी ये भी गाड़ी जाएगी, ओएनसी के माध्यम से जाएगी बनने के लिए।